ये देखिए, हमने अपने बाल कटवा लिया, सॉरी मैंने अपने दाढ़ी कटवा लिए, इट्स माई पर्सनल चॉइस। मैंने अपने बाल छोटे कर लिए, इट्स माई पर्सनल चॉइस। मैंने अपने दांत गंदे कर लिए जामुन खा के, इट इज़ ऑल्सो माई पर्सनल चॉइस। मैंने अपने मूछें काट दी लंबी लंबी, इट्स माई पर्सनल चॉइस। हो सकता मैं टकला हो जाता, ये भी मेरी पर्सनल चॉइस होती। लेकिन किसी एनिमल्स के बाल को नोच के अपने ठंड के लिए गर्मी वाले कपड़े बना लेना, इट्स नॉट माई पर्सनल चॉइस। वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बाल हमारा नहीं है, वो शरीर हमारा नहीं है, वो ऊन भेड़ के शरीर से आता है। वो बाल उसके लिए होता है ताकि वो ठंड से बच सके, क्योंकि भेड़ ज़्यादातर बर्फीले जगह पर होते हैं, तो वो उनके लिए, हमारे लिए नहीं। वो हमारा पर्सनल चॉइस नहीं हो सकता है। किसी मुर्गी को काट कर खाना हमारा पर्सनल चॉइस नहीं हो सकता है। किसी गाय को मार कर उसके स्किन से बने लेदर का यूज़ करना, और फिर उससे जो जैकेट वगैरह बनते हैं, बेल्ट बनते हैं, घड़ी के बेल्ट बनते हैं, शूज़ बनते हैं, लेडीज़ के पर्स बनते हैं, उसका यूज़ करना गलत है, क्योंकि वो हमारी बॉडी नहीं है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो ये हमारा पर्सनल चॉइस नहीं हो सकता है। आपका पर्सनल चॉइस, आप अपने साथ कुछ कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल चॉइस है। सो एनिमल क्रुएल्टी बंद करें और वीगन बनें।